दोस्तों नमस्कार भाई, आप सभी की डिमांड पर आज मैं एक ऐसे स्टेरॉयड इंजेक्शन के बारे में बताना जा रहा हूं जो आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है, मेरे हाथ में भी आप देख रहे हैं, और वो इंजेक्शन है प्रेडनिसोलोन। जी हां, देखिए इस तरीके से दूधिया रंग का ये आता है, और इसका जो दूधिया रंग है ये इसकी प्योरिटी की पहचान है, और इसका इस्तेमाल जो है वो वेटनरी में इन इमरजेंसी किया जाता है। ये विशेष ध्यान रखिएगा, शुरुआत में ही बता देता हूँ कि ये इंजेक्शन इतना खतरनाक है कि पशु की इम्यूनिटी को बिल्कुल नुकसान कर देता है। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि इम्यूनिटी का ये दुश्मन है। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। एक बार इससे आप किसी भी बीमारी को ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो भाई ये इम्यूनिटी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है, आघात पहुंचाता है। नतीजा फिर कभी दोबारा बीमार हुआ तो पशु वो इजीली ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि इम्यूनिटी ही है जो उसे रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। ठीक है, तो ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी जो विशेष बात ध्यान रखने की है वो यह है फ्रेंड कि इसका इस्तेमाल जो है वो कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करवाया जाता। अगर प्रेग्नेंट जानवर को इसको लगा दिया जाए तो उसका अबॉर्शन होना लगभग तय हो जाता है, तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और तीसरी जो बात यह है कि इसको कभी भी किसी भी सेलाइन में मिला करके लगाने से पशु की मौत भी हो सकती है। ये विशेष बातें हैं, ये विशेष नुकसान है जिनको आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट भी अगर इसको आईवी लगाया तो ये मौत का कारण बन सकता है। चलिए यार, डरा दिया तो बहुत, आप भी कहेंगे हर वीडियो में डराते हैं। अब मैं इसके विशेष उपयोग आपको बता देता हूं कि वाकई इसकी जरूरत जो है वो कहां कहां विशेष रहती है। विशेष जरूरतों पर ही हम विशेष बात करेंगे आज। तो अगर हम इसके बारे में कुछ चीज देखना चाहें तो पहला है और वो है इसका सॉल्ट। देखिए आप इसके सॉल्ट की तरफ नजर डालिए। सॉल्ट है इसमें प्रेडनिसोलोन, और ईच ml 10 mg में है, यानी कि 1 ml में 10 mg प्रेडनिसोलोन होता है। ये नॉर्मली 10 ml में मिलता है, और 10 ml ही आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, 10 ml ही आप फोटो में देख पा रहे हैं। नॉट फॉर ह्यूमन यूज, एनिमल ट्रीटमेंट यूज ओनली, ये कंपनी है इंटरवेट, इनके द्वारा बनाया गया है, ये बेचा गया है। तो ये जो इंजेक्शन है इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ ये गजब का वर्क करता है, उससे पहले थोड़ी सी बात हम आगे, ये देखिए यहाँ पर भी सॉल्ट के बारे में ही बात चली है कि सॉल्ट, तो सॉल्ट के बारे में देख लेते हैं। इसके बाद कंपनी ने क्या क्या चीज़ें पहले अपनी तरफ से दी है उनको हम देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे इसके बारे में सारा। सेकवेल बिफोर यूज़, यानी यूज़ लेने से पहले अच्छे से हिला लीजिए। स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, लाइट से आप बचा के रखिए। रीड इनक्लोज्ड लीफलेट केयरफुली, यानी इसके अंदर एक लीफलेट आता है जो पशु चिकित्सक केयरफुली पढ़ें और पढ़ने के बाद ही इसका इस्तेमाल करवाएं। है कि नहीं है भाई, लीफलेट बिल्कुल है, देखिए ये इसके अंदर आती है, जिसमें पूरा का पूरी इसकी फार्माकोलॉजी कंप्लीट जो है वो लिखी हुई मिलती है, तो आप पढ़ करके उसके हिसाब से ही यूज करवाएं। वैसे भी इसको ये शेड्यूल H1 ड्रग के अंतर्गत ही आती है, तो इसको कभी भी बगैर पशु चिकित्सक की प्रिस्क्रिप्शन के या बगैर पशु चिकित्सक की उपस्थिति के इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। ये स्टेरॉयड है, बहुत ही खतरनाक होता है। मैं तो आप लोगों की डिमांड पर सिर्फ जानकारी के लिए ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द मैक्सिमम नंबर प्रिक्स शुड नॉट बी एग्जिस्ट 10, ये तो 10 प्रिक्स वाली बात होगी, कोई दिक्कत नहीं है। विड्रोल के बारे में लिखा गया है कि कैटल सीफ एंड गोट में 5 डे है, और पिग में 28 दिन तक मीट में आएगा, और मिल्क की बात करें तो 3 दिन तक ये मिल्क में भी आएगा, यानी कि इसका विड्रोल जो है वो मिल्क में 3 दिन तक होगा, ये बात है। इसके बाद इंट्रामस्कुलरली और लोकल इंजेक्शन। अब यहीं से मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। देखिए दोनों बातें लिखी हुई है, इंट्रामस्कुलरली भी आप यूज कर सकते हैं तो लोकल भी यूज कर सकते हैं। ये लोकल वाली बात क्या है इसको आप पहले समझ लीजिए। लोकल का मतलब यह है कि कहीं पर भी अगर मान लीजिए सूजन आ रखी है, सूजन पानी भरी है अंदर, आपको लग रहा है पस है, पानी है, या कुछ ऐसा है जो पिलपिलासा है, फ्लूड जहां भरा हुआ है वहां पर आप इसको उस जगह भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, इसकी जितनी डोज है उसको आप निर्धारित कर लीजिए, और उतनी डोज को आप आधी डोज या 1/4 डोज या 1/3 डोज वो पशु चिकित्सक तय करते हैं कि यहां कितनी डोज लगवानी चाहिए, तो उतनी डोज को लोकली भी लगाया जाता है। कहीं पर भी मान लीजिए ट्यूमर हो गई,
आपने हाइग्रोमा का नाम सुना, नी हाइग्रोमा, जिसमें प्रमुख है जहाँ पानी भर जाता है घुटनों में, तो ऐसी कंडीशन में घुटनों में लगाने में ये बहुत अच्छा उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है आर्थराइटिस, जहाँ घुटनों में लगाया जाता है वहाँ पर इसकी 50% मात्रा को मस्कुलर भी लगाया जाता है, यानी दोनों चीज़ें समझिएगा, मस्कुलर भी लगाना होता है आधा और आधा लोकली भी लगाना होता है। मेनली मैं बात करूं अगर ऑर्थराइटिस की, तो ऑर्थराइटिस जो है ना, जोड़ों की सूजन जो होती है, जोड़ों का दर्द जो होता है, वहां पर इसको लोकली भी इस्तेमाल किया जाता है तो मस्कुलरली भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैन ये एक प्रकार का स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यानी स्टेरॉयड है और एंटी इन्फ्लामेटरी है। बहुत सारे जो हम यूज़ करते हैं नसेड जिन्हें बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होते हैं, जबकि ये स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यानी स्टेरॉयड है और सूजन को कम करने वाली है। शरीर के अंदर या शरीर के बाहर कहीं पर भी सूजन हो उसको कम करता है। इसके अलावा दर्द में भी इसका रोल है, यानी सूजन जब कम होती है तो दर्द को भी ये कम करता है। इसके अलावा बैक्टीरियल डिजीज़ में, जो भी बैक्टीरियल बीमारियां होती है उनमें इसका इस्तेमाल गजब का होता है। एंटीबायोटिक के असर को ये बहुत अच्छा बढ़ा देता है, एंटीबायोटिक के असर को बढ़ा देता है। किसी भी बीमारी में जब एंटीबायोटिक लगाया जाता है ना, इसको साथ में लगाते हैं तो ये असर को बढ़ा देता है। बस नुकसान वाली बात जो है ना वो होती है, और नुकसान मैं आपको बताऊं, प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा नुकसान होता ही होता है, लेकिन दूध देने वालों के लिए भी ये दूध का दुश्मन है, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता है। बड़ा ही सोच समझ करके इन इमरजेंसी ही करवाया जाता है, ये विशेष ध्यान रखिए। नेवल्स में प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों में, हालांकि बच्चों में भी इसका इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है, लेकिन अब जब कंडीशन ऐसी हो गई है ठीक हो ही नहीं रहा है तो ऐसी स्थिति में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेटाबॉलिक डिजीज़ की, मेटाबॉलिक में प्रमुख रूप से कीटोसिस, कीटोसिस में इसका जो रिजल्ट है ना भाई वाकई शानदार है। कीटोसिस बीमारी में इसका रिजल्ट है। अगर आपको बेटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, दूसरे जो स्टेरॉयड होते हैं ना, बेटामेथासोन हो गया, ट्रिमसिनोन हो गया, या फिर आइसोफ्लूड हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया, वो अगर नहीं मिल रहा है ना तो आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा गंभीर चर्म रोग होते हैं, बहुत टाइप के चर्म रोग होते हैं जो कि ठीक ही नहीं होते हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और ट्यूमर्स मैंने अभी आपको बताया, एलर्जी में, कहीं पर भी एलर्जी चाहे किसी प्रकार की हो, या अकेला खुद एलर्जी को दूर करवा सकता है। इसके अलावा आंखों में कभी भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है इंट्रामस्कुलर यूज में। तो इंट्रामस्कुलर और लोकली दोनों यूज होता है। अब इसकी डोज जो है भाई वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात डोज की कर ले तो नॉर्मल जो इसकी डोज होती है वो होती है फ्रेंड 1 ml प्रति 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। जबकि नॉर्मल अगर देखा जाए एक प्रैक्टिकली तो बड़े जानवरों में 5 से 10 ml इसका यूज़ होता है। 3 डोज में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। 3 दिन से ज़्यादा किसी भी सूरत में नहीं करवाया जाता, ये विशेष बात जो है वो गांठ बांध करके रख लीजिए। अगर आप किसी पशु चिकित्सक से लगवा ही रहे हैं तो 3 दिन से ज़्यादा कतई नहीं लगवा सकते, फिर वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, फ़ायदा करने के बजाय नुकसान करने लग जाएगा। तो इसीलिए और प्रथम जो डोज होती है, जैसे मान लीजिए इस हिसाब से आपने डोज कैलकुलेशन किया और प्रथम डोज आपने 10 ml लगाई, तो सेकेंड डोज इसकी 8 ml ही लगवाएंगे दूसरे दिन, और तीसरे दिन जो इसकी डोज है वो 6 ml ही लगवाया जाएगा। मतलब इस तरीके से इसकी डोज को अगर कम करके लगवाया जाए, हालांकि ये पशु चिकित्सकों का विषय है, हमारा विषय नहीं है, आपका विषय नहीं है, आपके जो लोकल वेट है उन्हीं से आपको ये लगवाना है, और ये जो है ये आपको उन्हीं से तय करवाना है। मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि 3 दिन में इसकी डोजेज जो है वो कम करके लगाई जाए तो फ़ायदा करेगा। इसके अलावा जो भी गंभीर बीमारियाँ जहाँ पर इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है, कहाँ होती है, जो भी वायरल बीमारियाँ हैं, मेटाबॉलिक में भी कई बार इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है, वायरल में सबसे ज़्यादा होती है और प्रोटोजोन बीमारियों में सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है, तो माइकोप्लाज्मल जो बीमारियाँ होती है उनमें भी ज़रूरत होती है, जैसे CCPP CBPP का मैंने वीडियो बनाया था, उनमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इम्यूनिटी की। तो जहाँ आपको लगता है कि इम्यूनिटी के बगैर पशु ठीक नहीं होगा, वहाँ इसका इस्तेमाल कतई नहीं करवाना है, चाहे वो कोई भी डिसीज़ है। जैसे अभी लंपी चल रही थी तो लंपी में भी इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करवाया जाता, शुरुआती स्टेज में ही अगर इम्यूनिटी को कम कर दिया गया
तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये सबसे बड़ी जो कुछ कमियां थी मैंने कुछ शुरुआत में बताई, कुछ कमियां मैं अंत में बता रहा हूँ। ये चीज़ें आप जरूर दिमाग में रखिए और इसका इस्तेमाल जो है वो नज़दीकी पशु चिकित्सक से आप करवा सकते हैं। और किसी इंजेक्शन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई है या आप चाहते हैं डिटेल से जानना तो हमारे रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ऑल ओवर क्लासेस मिलेगी और साथ में लाइव क्लासेस भी होती है जो एक महीने में प्रैक्टिशनर की ज़िंदगी बदल सकती है। तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन करके और लाभान्वित हो सकते हैं।